गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है जन्माष्टमी, 19 अगस्त। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है, हमारा पूरा घर भी एकदम साफ सुथरा हो गया है, पूरे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और बन रहा है भगवान लड्डू गोपाल का भोग। तो ये मैं बना रही हूँ नारियल और दूध मिला के उसके लड्डू। तो अब हम बनाएंगे भगवान की झांकी और भगवान का भी स्नान वगैरह करवाएंगे। इसी के साथ साथ मैंने जो भी फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे आज सुबह जाके फ्रेश लेकर आई हूँ इधर। तो एक बार इसको बन जाने देते हैं, देन झांकी। तो गाइस, ये है हमारा मंदिर भगवान का और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं झांकी कहाँ पे बनाऊँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पर है मेरे दो दुपट्टा जिससे मैं झांकी बनाने वाली। अब हम इनको हमारी झांकी में बिठा देते हैं, उसके बाद इनका तिलक और इनका भोग लगाएंगे। हाय गाइस, तो यहाँ पे मेरी पूजा तो एक बार की पूरी हो चुकी है, अब हम भोग तैयार करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मावा मैंने बनाया था वो बनके तैयार हो चुका है, बस अब इसके लड्डू बनाने हैं और इसी के साथ साथ हम लोग पंजीरी का भी प्रसाद बनाएंगे। तो ये अब दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, एकदम रेडीमेड पेड़ों की तरह। तो यहाँ पर मैंने पंजीरी में डालने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इनको पहले मैं घी में फ्राई करूंगी, उसके बाद में जो धनिया पाउडर होता है उसको फ्राई करूंगी घी में।
पर हमने जो भोग बनाया था उसमें मैंने तुलसी डाल दी है दोनों में, और अब मैं इसका भोग लगा रही हूँ भगवान को। गाइज अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर खाने की तैयारी करेंगे। हाय, तो अब मैं बना रही हूँ अपने फलाहार के लिए साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे साबूदाना को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था, और अभी मैं काट रही हूँ आलू, टमाटर, हरी मिर्च। यहाँ पे देखिए मेरे साबूदाना भीग चुके हैं और एकदम एक एक दाना ऐसे खिला हुआ है। तो इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जब भी आप साबूदाने को सोक करें खिचड़ी बनाने के लिए तो उसमें ज़्यादा पानी ना डालें, इतना ही डालें जितने में ये सोक हो सके। उससे क्या होगा कि गीला नहीं होगा और उसका एक एक दाना जो है वो खिला हुआ रहेगा। तो बस हमारे आलू जैसे ही पकेंगे हम इसको उसमें ऐड कर देंगे नमक डाल के। तो यहाँ पे ये सब पक चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये है सेंधा नमक, थोड़े से। जैसा भी आप नमक खाते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। इसी के साथ में थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड करूँगी, कम ही डालूंगी बिकॉज मैंने हरी मिर्ची बहुत सारी डाली है। ग्रहण कीजिए भगवान। तो यहाँ पर हम लोग भोग लगा रहे हैं। शाम हो गई है, हम भगवान को इस कटोरे में अंदर रख देंगे, फिर रात के 12 बजे हम उनका जन्म करवाएंगे। इसके लिए हमें इनके सारे वस्त्र और जो भी इनको ज्वेलरी पहना रखी है वो सब निकाल देंगे। इसमें हम इनको रख देंगे और जो भी फूल है उनसे इसको ढक देंगे। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। वहाँ पे मूवी देखी जा रही है, जर्सी मूवी। तो यहाँ पे खीर बन रही है, ये मैंने पूरी के लिए आटा निकाल लिया है और साथ में हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। Thank you.
तैयार है हमारी पूरी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे पानी पताशे और पापड़ भी तल लिए बाकी काम के लिए। तो यहाँ पे एज यू कैन सी मेरी पूरी किचन क्लीन हो चुकी है, बर्तन साफ है, पूरा काउंटर टॉप क्लीन है। गैस को अभी नहीं साफ किया है, कल सुबह होगा क्योंकि गर्म है, तो कांच वाले गैस को गर्म जब होता है तब साफ नहीं करते, ठंडे होने पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा भोग है और बाकी सब सामान। तो किचन इज क्लीन करेंगे और यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया जो भी मुझे लेने के लिए चाहिए। व्रत का समापन कर रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? 12:30 तो ही होगी ना? हाँ, करीबन 12:30 हो रही है और हम अपना जो व्रत है वो कंप्लीट कर रहे हैं।
यहाँ पर है खीर पनीर की सब्जी जो बिना प्याज और लहसुन के है, और ये है पंजरी जिससे हम अपना व्रत ओपन कर व्रत खोलने वाले हैं, और ये है पंचामृत जिससे हमने भगवान को स्नान कराया था। तो आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, शुभ रात्रि।